क्वेश्चन नंबर थ्री उसका नंबर वन, क्वेश्चन नंबर थ्री में नंबर वन, उसमें क्वेश्चन नंबर वन की तरह ही करना है। क्वेश्चन नंबर वन में जो मेथड किया था वही मेथड आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। कैसे? यहाँ पे आपको नंबर वन में प्रूव करना है वन अपॉन रूट टू इज इरेशनल, इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो आगे की तरह लेट अस एज्यूम वन अपॉन रूट टू इज रेशनल, वन अपॉन रूट टू को हमने रेशनल सपोज कर लिया। उसके बाद रेशनल यानी क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, ए अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। रीजन क्या लिखेंगे, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच सी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू वन, दोनों का कॉमन फैक्टर वन है क्योंकि ए और बी हमारे लिए अभी प्राइम है, ए एंड बी दोनों का एच सी एफ वन। अभी सिंप्लीफाई में यहाँ पे दोनों का क्रॉस मल्टीपल करना है, क्रॉस मल्टीपल में बी वन जा बी हो जाएगा और यहाँ पे रूट टू इंटू ए यानी रूट टू ए हो जाएगा। क्लियर, बी वन जा बी इज इक्वल टू रूट टू ए। अभी दोनों साइड आपको लगाना है स्क्वेयर, तो यहाँ पे लगाएंगे बी स्क्वेयर, यहाँ पे रूट टू का स्क्वेयर टू और यहाँ पे आएगा ए स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए स्क्वेयर। रीजन लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। आगे बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए स्क्वेयर यानी दोनों का मल्टीपल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वेयर, टू इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वेयर। अगर टू बी स्क्वेयर का फैक्टर है तो टू किसका फैक्टर कहलाएगा, बी, तो टू इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। आगे की तरफ अगर टू बी का फैक्टर है, टू बी का फैक्टर है तो टू को किसी एक नंबर से मल्टीपल करो कि वापस आपको बी मिले, तो वो नंबर हमने कौन सा लिया, सी। तो बी इज इक्वल टू टू सी, सी इज एन इंटीजर। नाउ सिंप्लीफाई आगे की तरह, दोनों साइड वापस स्क्वेयर लगा दो, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वेयर। रीजन लिखना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अभी बी स्क्वेयर का वैल्यू आपको ऊपर दिया हुआ है, बी स्क्वेयर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, टू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वेयर। रीजन लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट नंबर वन। अभी टू मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड, फोर सी स्क्वेयर अपॉन टू, टू से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू टू सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, टू सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीपल करने से क्या मिल रहा है, ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वेयर, अगर टू ए स्क्वेयर का फैक्टर है तो टू उसके स्क्वेयर रूट यानी ए का भी फैक्टर कहलाएगा। ओके, यहाँ पे देखो टू इज फैक्टर ऑफ बी, टू इज फैक्टर ऑफ ए यानी कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर टू, दोनों का कॉमन फैक्टर में क्या मिला, टू। लेकिन हमने स्टार्टिंग में सपोज किया क्या था, वन, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी बट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर वन, आपने वन सपोज किया था, मिला क्या आपको, टू, यानी आवर एज्यूप्शन इज इनकरेक्ट, हमने जो सपोज किया था वो गलत है, इसका मतलब वन अपॉन रूट टू इज इरेशनल। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर वन की तरह किया है, आपको सिर्फ एक होमवर्क में दे रहा हूं, सम वन अपॉन रूट थ्री वाला, वन अपॉन रूट टू की जगह पे आपको वन अपॉन रूट थ्री लिखना है और सेम स्टेप में आपको इसका सिंप्लीफाई करना है।